ले अच्छा ठीक। हाँ ले ले। कहते हैं दुनिया छोड़ने से पहले अगर कोई अपनी आखिरी इच्छा रखता है तो उसे पूरा करना चाहिए। बिहार के गया जिले से एक ऐसा ही मामला सामने आया जब एक बेटी ने अपनी मां की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए अस्पताल के आईसीयू में शादी कर ली। दरअसल गया के एक प्राइवेट अस्पताल में अनोखी शादी देखने को मिली। आमतौर पर इस तरीके के मामले फिल्मों में आप देखते होंगे, लेकिन गया में एक बेटी ने हकीकत में ऐसा किया। मां की आखिरी इच्छा को पूरा करने के लिए बेटी ने अपनी शादी आईसीयू में आयोजित करवाई। मां के शर्त के अनुसार ही बेटी की शादी संपन्न हुई। लेकिन इन सब के बीच सबसे बुरी बात क्या रही? सबसे बुरी बात ये रही कि शादी के 2 घंटे बाद ही मां का निधन हो गया। शादी के बाद खुशी मनाई जाती है आमतौर पर, लेकिन परिवारों के साथ अस्पताल के कर्मी की भी आंखें नम थी। दरअसल ये शादी गया के आशा सिंह मोड़ मजिस्ट्रेट कॉलोनी के पास स्थित अर्श हॉस्पिटल के आईसीयू में हुई। यहां भर्ती पूनम कुमारी वर्मा परिजनों के सामने शर्त रख दी कि उनकी बेटी चांदनी कुमारी की शादी उनके जिंदा रहते ही कर दी जाए। पूनम कुमारी वर्मा कई दिनों से बीमार चल रही थी। सीरियस होने के बाद उन्हें अर्श हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, जहां डॉक्टरों ने मरीज की हालत को गंभीर बताते हुए कहा कि किसी भी समय इनकी मौत हो सकती है। ऐसी हालत में मरीज पूनम कुमारी वर्मा के परिजनों ने बताया कि उनकी बेटी का एंगेजमेंट 26 दिसंबर को होना था, यानी कल होना था, लेकिन लड़की की मां की जिद के कारण दोनों की शादी एंगेजमेंट के निर्धारित तिथि के एक दिन पहले ही कर दी गई। जानकारी के मुताबिक लड़की की शादी अर्श हॉस्पिटल में ही आईसीयू के दरवाजे के बाहर संपन्न हुई। पंडित ने वर और वधू को शपथ पत्र पढ़वा कर शादी संपन्न करवाया। खास बात यह है कि शादी बिना किसी तिलक और दहेज की हुई। बहरहाल इन सब के बीच दुखद बात यह रही कि शादी के महज 2 घंटे बाद ही लड़की की मां का निधन हो गया, जिसके बाद सभी की आंखें नम हो गई। फिलहाल खबर समाप्त। बिहार झारखंड की तमाम खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया। हाँ ले ले।